खेती विरुद्ध काले कानूना दे खिलाफ अज किसानां नूं रद्द करवाउंदे पूरे 6 महीने का समय हो चुका है। संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल के चलते पूरे देश के नाल नाल पंजाब विच भी किसानां वल्लों काले झंडे लगा के मोदी सरकार विरुद्ध रोस जाहिर किया जा रहा है। इस दे चलदे नाभा विच भारतीय किसान यूनियन दे सांझे तौर ते नाभा ते पटियाला गेट विखे तो काले कपड़े पा के अते हत्थां विच काले झंडे फड़ रोस प्रदर्शन किया गया। इस मौके मोदी सरकार दे खिलाफ जम के पिट स्यापा करन तो बाद मोदी सरकार दा पुतला फूकिया गया। इस मौके किसान यूनियन दे आगू ने कहा कि किसानां नूं खेती विरुद्ध संघर्ष करदे 6 महीने हो गए हन, पर केंद्र सरकार हिटलर दी सरकार बनी हुई है। इस संघर्ष विच अनेक ही किसान भैणां अते बच्चे शहीद हो चुके हैं, पर सरकार नूं इसका कोई फर्क नहीं पै रहा। जद तक सरकार ये कानून रद्द नहीं करेगी, संघर्ष इस तरह चलता रहेगा। नाभा तो तरुण मेहता की रिपोर्ट। किसान वीरां नूं और इन्हां दे लीडरां नूं जरूर एक विश्वास दिवाउणा कि जदों भी सानूं आपां सारे कोठियां दे घरां दे काले झंडे लाए हुए ने ते आपां अज सानूं सद्दा मिलिया सी मिल्क फूड वैंडरी यूनियन वल्लों ते साडे गेट ते जिहड़ी करोना दी महामारी चल रही है उतों किवें नजिठिया जावे। मोदी सरकार है जिहड़ी उहदे कन्न बिलकुल बंद हो चुके ने, उहनूं खोलण दे लई उहनूं थोड़ा जगाउण दे लई कि असीं हजे किसान आ जिहड़े उहनां ने बिल वापस कराउणे ने, असीं बॉर्डरां दे उत्ते बरूहां दे उत्ते बैठे आ, सानूं 6 महीने हो चुके ने। उन्हां नूं साडे जिहड़े लीडर ने बरूहां दे उत्ते बैठे ने साडे किसानी लीडर, उन्हां ने अज सानूं सद्दा दित्ता है कि 26 तरीक नूं मोदी दा सरकार दा जिहड़ा पुतला फूक के मोदी दा पुतला फूक के उहनूं जगा दित्ता जावे कि असीं इह 3 जिहड़े काले कानून ने उह वापस हटा के ही वापस करा के ही अपने अपने घरां नूं वापस जावांगे। अज सानू हॉर्लिक्स फैक्टरी वालों आए ने जिहड़े, उन्हां ने समर्थन दिता, नौजवान भी काफ़ी पहुंचे ने, बजुर्गों का समर्थन तो है ही आ, उन्हां दे नाल मिलके नौजवानों ने बच्चों ने सारिया ने इस्त्रियां ने पुरश ने जिहड़े सारे मिलके ने जिहड़े अज इस 26 तरीक नूं मोदी दा पुतला साड़न दे विच ने जिहड़े उह दस्तक दित्ती है सारिया ने। जिस तरह की किसानों नाल 11 बार मीटिंग हो चुकी है ते किसानों ने हुण चिट्ठी भी लिखी है मोदी सरकार नूं, तुसीं किवें देखदे? 11 बार मीटिंग हो चुकी है पर उहदा कोई सिट्टा नहीं निकलिया, इसलिए मोदी सरकार ने जिहड़ी उह चुप कर गई सी कि ठीक है बैठे ने बैठे रहण दो, पर उहनूं इह दस्सण दे लई ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ
लोगों ने जोड़े वो भरोसा नहीं कर सकते कि असलियत बीमारी है भी या नहीं है। 10% आप कह सकते हैं कि इन्नी महामारी भयानक जी दस रहे हो, करोना महामारी चल रही है, इन्ने व्डे पद्धर के उत्ते डैथ रेट है जी बहुत ज़्यादा परसेंट है जी हाई हो चुकी है कि असी जी ये बरूहों के उत्ते बैठे किसान ने उन्होंने जाना किमें बचाई है। असी तीन बिल उन्होंने है जी बहुत वड्डी चीज हो गए ने, एक जान एक मनुख की जान तो बद के हो गए ने यह तीन बिल, करोना महामारी जी उदो बद के हो गए ने बिल, ता ही ये बिल वापस नहीं लै रही हैगी। हुण उन्होंने जगाने इन्होंने चिट्ठी लिखी है ताकि मीटिंग हो सके। थले डिग रहा, रुपये थले डिगण दे नाल महंगाई है जिहड़ी ओह वधूगी ही, सिलंडर दे रेट आम जनता जिहड़ी ओहदा सरवाइव करना इन्ना मुश्किल हो गया, दुकाना बंद पईआं ने, बाजार खुल नहीं रहे, महामारी इन्नी ज्यादा फैल गई है, महंगाई तो वधनी ही वधनी है। दोषी मंदे महंगाई महंगाई बदल ली, देखो दोषी है जी सरकारां ही ने, असी सरकारां नूं कादे लई चुणिया, असी सरकारां नूं इसलिए चुणिया ताकि ओह साडे लई सोच सकन, साडे लई लड़ सकन, पर सरकारां दा जिहड़ा उल्ट काम हो गया, अपदियां जेबां भरन नूं तैयार ने, तां इसदे लई जिम्मेवार मैं तां सरकारां नूं ही मन्नदी आं क्योंकि असी उहनां नूं अपदे लई चुणिया सी, अपदे लई ओह अपदे लई काम कर रहे ने, साडे लई काम नहीं कर रहे। ਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ वो कुंभकर्ण की नींद सुती हुई है, लगता उन्हें यह है कि यह कोई मसला है नहीं, पर एक एडा बड़ा मसला है कि एक रोटी का मसला है हर बंदे दी दा, चाहे वह बीमार है चाहे वह शरीरक तौर पर फिट है, उसका वो उपर कारपोरेट घराण का कब्जा जोड़ा करवाना चाहती है, इस करके बहुत बड़ी है जी मुश्किल है क्योंकि एडा छोटा मामला नहीं है, जो छोटा होंगे शायद यह उन्होंने हल हो जाता क्योंकि पूरी की पूरी जमीन के नाल पूरी की पूरी पब्लिक के नाल किसानी के नाल जुड़िया हुआ यह मामला जिहड़ा सारे दे सारे दे उपर कब्जा जिहड़ा कारपोरेट घराणे नूं करवाउणा चाहुंदे। असीं पूतला फूक रहे हां जी भारत सरकार का, क्योंकि भारत के लोगों नूं तंग करन लगे ने, जिहड़ा पिछले साल साढ़े लवे घिओ का पैकेट 55-60 रुपये का सी, अज घिओ का टीन 22-23 सौ रुपये नूं हो गया, जब साढ़े लवे खुराक ही नहीं रहेगी तो असं करांगे की। पर मैं जिम्मेवार सब तो वह भारत के लोगों ज्यादा मानता हूँ, नाभे 2 लाख तो वो वोट है, असी धरना फूक धरने पर पहुँचने वाले बंदे मोदी का पूतला फूकने वाले दलेर लोग सिर्फ 90 चो 12-14 सौ निकले हैं, असी वो लोग तो है नहीं भी जे बिक जाएंगे ज मुड़ जाएंगे, जोड़ा इन्होंने देश में बर्बाद करे है, असी घट लोग भी कट्ठे हो के देश नूं बचाउण लई पूरे उपराले करांगे, जिन्ना चिर साडे शरीर च दम है असी होर लोगों नूं भी सुखी वसण लई ते आपदे परिवार नूं सुखी रखण लई असी भारत सरकार नाल लड़ाई लड़ रहे हां, लड़दे रहांगे, अते इहनां नूं कोई भी चीज़ वाधू रेट ते नहीं बेचण देवांगे जिवें इह इकट्ठियां कर कर बेच रहे ने।